हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजफुल स्टडी में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में वर्णमाला के विषय में बताया था, और उसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के समझ के बाद वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम वर्णों के उच्चारण स्थान को जानेंगे तो जब हम संधियां पढ़ने जाएंगे या फिर वर्ण विच्छेद को पढ़ेंगे तो ये हमारे उस बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वर्णों में हमने आपको बताया था कि वर्ण दो प्रकार के हैं, एक है स्वर एवं व्यंजन। तो पहला है हमारा स्वर और व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर जो होता है, हमारे स्वर जो है मूल स्वर, जो हमने पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में कि मूल स्वर 11 होते हैं और इन स्वरों के भी अपने उच्चारण स्थान हैं, और व्यंजन इनके भी अपने अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। स्वर है जो उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। स्वर की परिभाषा ही है कि स्वर इस प्रकार के व्यंजन है जो कि बिना किसी की सहायता के ही बोले जाते हैं, और व्यंजन जिन्हें के उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। स्वर जैसे हमने लिखा अ आ ई ई छोटा ओ बड़ा ओ ऋषि ए आई ओ औ। तो ये हमारे कुल मूल स्वर हो गए, और इन स्वरों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न स्थानों से ये उच्चारित होते हैं। उच्चारण स्थान का एक मुख्य अर्थ यह रहता है कि जब हमारे जो हमारे मुख की जो जिह्वा है, जब मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए उस ध्वनि का जब उच्चारण होता है, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कि हम जो अ आ का साउंड है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे मुख के या हमारे मुख के अंदर के किस भाग से वो उच्चारित हो रहा है, जैसे अ आ, तो यह जिह्वा किसी भी अंग को स्पर्श किए बिना यह कंठ से उच्चारित हो रहा है, अर्थात ये कंठ इसका उच्चारण स्थान है। और ई, बड़ी ई, अगर हम बोले ई ए ई ई, तो यह इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। और जैसा कि हम अब बोले छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान कैसे हम उसको उच्चारित करेंगे, पता करेंगे, जैसे ओ ओ ओ ओ ओ ना ओष्ठ ना ओष्ठ। और री, री का उच्चारण स्थान मूर्धा। री जब हम बोलते हैं री, तो हमारा जीभ पीछे के मुड़ते हुए बहुत और एक खिंचाव के साथ बोलते हैं री, तो ये मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। और ए आई ए आई, मतलब इसका उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु दोनों से यह उच्चारित हो रहा है। और ओ औ, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ एवं ओष्ठ, कंठोष्ठ दोनों से इसका उच्चारण हो रहा है। व्यंजन, व्यंजन में पहले व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्गों को जानने से संधि को हम भली प्रकार से समझ सकते हैं। अगर हम वर्ग जानेंगे तो ये संधि में इसी प्रकार से उच्चारित होगा कि वर्गों के प्रथम वर्ण, वर्गों के द्वितीय वर्ण, वर्गों के तृतीय वर्ण। तो जब हम वर्ग पहचानेंगे, वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों को जानेंगे तो सही प्रकार से इसे समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके वर्गों को लिखते हैं, जैसे क वर्ग,
सॉरी च वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ग कुल कितने हुए? कुल 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, च, ट, त, प, ये हमारे 5 वर्ग हैं। जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर, जैसे क के अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, उसी तरह च वर्ग में भी च, छ, ज, झ, यम। तो इन 5 वर्गों के जो एक ही फैमिली, एक ही मेंबर से बिलोंग करते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, आइए हम जानते हैं। जैसे क से किन, क वर्ग जो है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं और ये किस उच्चारण स्थान से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसके अलावा भी 2 वर्ड हैं, जैसे विसर्ग है और ह, ये भी, ये सभी वर्ड कंठ से बोले जाते हैं। और च वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ड आते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, य। और इसके अलावा जो य है इसका भी उच्चारण तालु से होता है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। और ट वर्ग को देखते हैं, ठ, सॉरी ट, ठ, ड, ढ, ड। इन 5 वर्णों के अलावा भी एक है ऋषि और र, जिसका उच्चारण एक है एक श, ये श, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा से इसका उच्चारण किया जाता है। और इसमें भी एक वर्ड है, एक है श, ये जो जिसे हम लोग किताबों में श पढ़ देते हैं, तालु श कहते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं तालु श है। और पहले के समय में हम अपने टीचर को भी बोलते हुए सुने होंगे कि मूर्धनि श लगा दीजिए, मूर्धनि श, क्योंकि ये बीच में ऐसे कटा हुआ, तो ऐसे श का उच्चारण मूर्धा है ना, इसे मूर्धनि कहेंगे, मूर्धा श बोलेंगे इसे। और त वर्ग, त वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ड आते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न। और इसके अलावा जो है ल और श, ये 2 वर्ड भी है। ये छोटा श जो है इसे हम छोटा श बोलते हैं, इसे छोटा श न बोलकर इसे हम दंत श के जानते हैं, दंत श के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दंत है। त वर्ग का उच्चारण हम दांत से करते हैं, जैसे कि जो जीवा का हमारे अग्रभाग है वो दांत को टच करते हुए बोला जाता है, इसीलिए जब हमारे जो देखे होंगे आसपास जो बुजुर्ग होते हैं, अगर जब वो त का उच्चारण स्थान करने जाए या इससे जुड़े कोई किसी भी वर्ड को उच्चारित करें तो उसे उच्चारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दांत ना होने की वजह से ये वर्ड का उच्चारण दूसरे रूप में होते हैं, जैसे कि वो त को ट कहने लगते हैं, तो इसीलिए बेसिकली इनका उच्चारण स्थान दंत माना जाता है, जैसे त, थ, द, ध, न। वर्णों का उच्चारण स्थान हम अच्छे ढंग से तभी कर पाएंगे जब हम इन वर्णों को हम अपने से बोलें, बार बार इसे उच्चारित करते रहें। प वर्ग, प वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण,
प फ ब भ म। तो आप देखेंगे कि जब हमने प वर्ग को बोलना स्टार्ट किया प फ ब भ म, तो जो हमारे होंठ है वो वोट के द्वारा ही हम उसे बोल रहे हैं। बिना वोट को मिलाए हम इन वर्णों को उच्चारित नहीं कर सकते, अतः इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। सो हमें लगता है कि आपने बेहतर तरीके से आज उच्चार स्थानों को समझा होगा, और हम अपने ग्रुप में जुड़े उन बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने जो नोट्स बनाए होंगे, आपने जो कॉपी होगी उस पर आप जरूर लिखें। थैंक यू।